भाई हमारे पास अपनी डायरेक्ट टैक्स की बुक्स आ चुकी हैं विजय सारडा सर की और एकत्वम से। भाई काफ़ी टाइम लग गया, वैसे मैंने देखा नॉर्मली टाइम लगता है, मेरे में कुछ कोई टेक्निकल दिक्कत होगी आगे से, इसलिए वजह से मेरी लेट हो गई। कोई नहीं, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। भाई ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, मतलब ज़्यादा मोटी करके भी कोई बुक्स नहीं आई, गिनती की दो बुक्स हैं इसमें। देखते हैं एक बार अभी से ओपन करके कैसा कैसा इसमें। भाई साइड से फट भी गई, लेकिन ये आगे से कोई दिक्कत नहीं है। ये यहीं पे ड्यूरिंग ट्रैवल, नहीं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल तो बंदा करता है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ये दिक्कत हुई होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, इतने में तो सब चलता है। तो एक बार इसे ओपन करते हैं, इसमें चार्ट्स भी हमारे साथ। तो आपको अगर चार्ट्स देखने हो विजय साडा सर के, तो भाई ये वीडियो में आपको मैं प्रॉपर चार्ट्स दिखाऊंगा कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बुक है हमारी, ये है हमारी बेसिक, मतलब जो रेगुलर बुक होती है, और ये काफ़ी ए फोर साइज शीट की है, ए फोर साइज साइज है इसका, ए फोर वाला। और जहाँ तक सर बताते हैं पूरी 3D बुक है, तो भाई इसमें कोई वो बात नहीं है, प्रॉपर 3D बुक है। देखो आपको पूरे मतलब वो क्या कहते हैं इसे, फिगर्स वगैरह भी बना के दे रखे हैं, आदमी आदमी बना के छाप रखे हैं, और काफ़ी बढ़िया है बुक भी, फॉन्ट भी काफ़ी अच्छा है, और ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं रखी गई भाई। और सर ने ये बोला था आपको हर मतलब चैप्टर का एक अलग कलर मिलेगा, और वो बात भी देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चैप्टर का अलग कलर है, तो ये बढ़िया है। और बुक का कवर भी मतलब काफ़ी सही है, तो ये बुक तो भाई बढ़िया लगी मेरे को। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन आयर। तो क्वेश्चन आयर में क्या है, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे इसमें। तो मेरे को ये बात बढ़िया लगी कि बुक छोटी है, देखते बंदे का दिमाग खराब नहीं होगा कि यार इतना पढ़ना है। अब आती है मेन बात, जो कि है भाई चार्ट्स। वीडियो के ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, आपको पता ही है बाकी तो सारा। ये है भाई असली राज, इसे खोलते हैं। तो भाई ये आ गया हमारे पास चार्ट्स। चार्ट्स का एक बार मटेरियल भी देख लेंगे, फटने वाला तो नहीं है कुछ। इस पन्नी को एक बार साइड कर लेते हैं संभाल के। तो भाई एक एक करके चार्ट्स लगा रखे हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो पहला चार्ट हमारे पास आता है भाई, काफी बड़े हैं चार्ट्स, मैं तो शायद दिखा भी नहीं पाऊंगा। ओके, तो भाई जैसे आपको दीवार पे चार्ट्स दिखते हैं ना, वैसे चार्ट्स हैं ये सारे। और यहाँ पर विजय सारडा सर की पूरी फोटो वोटो, जिसे आप घर पे ही लगा लो और सुबह उठते ही देखो। तो ये पूरा सैलरी का है, सैलरी है इसमें, और इसमें साइड में एग्रीकल्चर इनकम भी दे रखा है ये रहा। तो भाई ये पूरा इतना बड़ा चार्ट है, एक एक करके सारे चार्ट खोलते हैं, और ताकि ज़्यादा देर ना लगे। आया कैसे कैसे डिजाइनिंग है, ओके। सो भाई इसमें आता है सबसे बड़ा चैप्टर PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। भाई इतना बड़ा ये इसका है, और इसमें ये अलग से भी सारे चैप्टर जो छोटे मोटे हैं वो सारे इसमें जोड़ रखे हैं, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, रेजिडेंशियल स्टेटस, रिटर्न ऑफ इनकम, सब कुछ इसी में जोड़ रखा है। भाई लगभग ये एक एक मीटर के चार्ट्स हैं, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ इसे। मैं गलत तरीके से तो नहीं मोड़ रहा इसे, कहीं कैसे मोड़ूंगा, ऐसे मोड़ेंगे। तो भाई ये इसे मोड़ दिया, अगले में देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ चार्ट्स देखते हैं, अभी तक दो हो चुके हैं हमारे। इसके बाद आता है ये, यहाँ पर HP है, हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शंस, मतलब सारे चैप्टर एक तरीके से जोड़ जाड़ के और दे रखे हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS वगैरह सब कुछ। और अलग अलग कलर में है हर एक चैप्टर, ताकि हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, आराम से पढ़ लेंगे, कहीं इधर उधर भग गए। तो लगभग तीन चार्ट हो चुके हैं हमारे, लास्ट चार्ट बच रहा है हमारा। और भाई ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, कैपिटल गेन। आप देख सकते हो जितना भी पिंक पिंक में सारा कैपिटल गेन है, और यहाँ पर ये लास्ट में है क्लबिंग। तो हमारे चार चार्ट्स में पूरा खत्म हो चुका है डायरेक्ट टैक्स, जो कि हम 60 नंबर के लिए पढ़ते हैं।
तो भाई कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक करके जरूर बता दे रहा। मैंने अब तक की अपनी सारी बुक्स की अनबॉक्सिंग कर दी है, आईसीआई वाली भी और साथ के साथ में मेरी कोचिंग वाली भी। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो देखकर, और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप भी बताओ कि मैं और क्या क्या कंटेंट डालूं। मेरे दिमाग में तो थोड़े बहुत कंटेंट आते रहते हैं तो मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।